गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर हिंदी क्लासेस। प्रीवियस वीडियो में हमने समास का फिफ्थ नंबर का प्रकार बहुव्रीहि समास पढ़ा था। आज हम इस वीडियो में द्विगु समास को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहला हम रिवाइज कर लें कि हमने बहुव्रीहि समास में तो हमने पढ़ा था कि वह समास जिसमें कि न पहले पद को प्रधानता दी जाए और न दूसरे पद को प्रधानता दी जाए, बल्कि वो किसी तीसरे पद की ओर क्या करता है, इशारा करता है, इंगित करता है और कुछ एक नया शब्द ही बताता है, उसे हम क्या कहते हैं, बहुव्रीहि समास। और उसके हमने कुछ उदाहरण देखे थे, जैसे दशानन। तो दशानन में क्या था, दस है आनंद जिसके, है ना। अब दशानन से कोई मतलब नहीं, अब तीसरा पद जो बना तो क्या होगा, दस है आनंद जिसके, यानी कि रावण, या रावण की ओर अग्रित करता है, ठीक है। और ऐसे ही चतुर्भुज, अब चार है भुजाएं जिसकी, हर कौन, विष्णु, ठीक है। फिर अगला क्या है, पंचानन, यानी पांच हैं आनन जिसके, वह अर्थात शिव। तो हमने बहुव्रीहि समास पढ़ा था। अब आज हम क्या करते हैं, द्विगु समास पढ़ते हैं। तो द्विगु समास में बच्चों हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहला उसका अर्थ पढ़ेंगे, फिर उसके कुछ उदाहरण पढ़ेंगे और हम यह भी देखेंगे कि द्विगु समास है जो, उसमें ऐसा क्या है, उसमें क्या ऐसी खास विशेषता है जिससे वह अन्य समास से भिन्न है, ठीक है। तो हमने ये समास का कौन सा प्रकार है, सिक्स नंबर का प्रकार है। और हमने क्या किया था, जो समास हैं उनके पांच प्रकार पढ़ चुके हैं। पहला हमने पढ़ा था अव्ययी भाव समास, जिसका पहला पद प्रधान था। दूसरा हमने पढ़ा था तत्पुरुष समास, जिसमें दूसरे पद को प्रधानता दी जाती थी। तीसरा पढ़ा था कि इसमें दोनों पदों को प्रधानता, एक विशेष होता था और एक विशेषण, या एक उपमेय होता था एक उपमान। और बहुव्रीहि समास में पढ़ा कि बहुव्रीहि समास में न पहले पद को प्रधानता दी जाती थी न दूसरे, और किसको दी गई थी, कोई नया तीसरा पद है उसको ही प्रधानता दी गई थी। अब आज हम क्या पढ़ते हैं, द्विगु समास, और इसमें हम देखते हैं किस पद को प्रधानता दी गई है और इसमें कौन सा पद प्रमुख है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वह समास जिसका पूर्व पद, पूर्व यानी पहले, ठीक है, हमने पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में कि समास में कितने पद होते हैं, दो पद। जो पहला शब्द लिखा जाता है उसको पहला पद बोलते हैं और दूसरा जो शब्द लिखा जाता है उसको उत्तर पद बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है, पूर्व पद यानी कि पहला पद, ठीक है। और क्या बोल रहा, पूर्व पद क्या हो, संख्यावाचक। अब संख्या यानी नंबर या गिनती, और वाचक मतलब बताने वाला, बोलने वाला, ठीक है। और विशेषण यानी विशेषता बताने वाला, यानी संज्ञा और सर्वनाम की जो शब्द क्या बताते हैं, विशेषता बतलाते हैं, उनको क्या कहा जाता है, विशेषण, ठीक है। तो क्या बोला गया है, वह समास जिसका पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो
होता है तथा समस्त पद समाहार समाहार या समूह का बोध कराता है। ठीक है, समाहार या किसका बोध कराता है? समूह का। तो उसे हम क्या कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? द्विगु समास कहते हैं। क्लियर आ गया समझ में बच्चों? वह समास जिसका पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है तथा समस्त पद समाहार या समूह का बोध कराता है उसे द्विगु समास कहते हैं। क्लियर आया समझ में? अब देखते हैं, हम इसको कुछ दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं। इस प्रकार भी हम कह सकते हैं कि इस समास में पहला पद क्या होता है? संख्यावाची होता है ना? यानी संख्या का ये बोध कराता है। अब देखिए एक बार इसको और अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं कि वह समास जिसका पूर्व पद बच्चों यानी पहला पद, ठीक है, समास में कितने पद होते हैं? दो पद। तो पूर्व पद यानी पहला पद संख्यावाचक यानी जो गिनती का, संख्या यानी गिनती या नंबर, उसका वाचक यानी बताता है, संख्या का ज्ञान कराता है या संख्या को बताता है उसे, और विशेषण होता है तथा समस्त पद क्या होते हैं? समूह का बोध कराते हैं उसे द्विगु समास कहते हैं। और हम इस प्रकार भी कह सकते हैं, इस समास में पहला पद संख्यावाची होता है। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको द्विगु समास का अर्थ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर। और आप क्या करिएगा, इसको रिवाइज करिएगा।